और खबर जेपीएससी से जुड़ी हुई। आज दिनभर जेपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा की दो खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर जेपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा की आवेदन की तिथि बढ़ाने संबंधित है। अब जेपीएससी अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जेपीएससी ने यह फैसला सर्वर में समस्या आने की वजह से लिया। सर्वर डाउन होने की वजह से अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। परेशानी को देखते हुए जेपीएससी ने यह फैसला लिया। वहीं दूसरी खबर कुछ इस तरह की है कि जेपीएससी अभ्यर्थियों में निराशा पैदा यह कर सकती है, जहां हाईकोर्ट ने जेपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि अभ्यर्थी की ओर से यह कहा गया था, ये मांग रखी गई थी कि जब सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं चार परीक्षाएं एक साथ होगी तो उम्र में उन्हें छूट मिलनी चाहिए उसी हिसाब से। लेकिन कोर्ट की ओर से कहा गया कि फिलहाल इस याचिका को हम मंजूर नहीं करते, इसको हम खारिज करते हैं, क्योंकि फिलहाल एग्जाम हो जाए तो राज्य के लिए बेहतर ये है। तो जेपीएससी से जुड़ी दोनों खबरों पर आज दिनभर छात्रों की नजर रही है। एक जगह निराशा मिली लेकिन एक जगह थोड़ी उम्मीद जगी। खुश हुए अभ्यर्थी कि उन्होंने जो मांग रखी, जो परेशानी वो झेल रहे थे, उसका खात्मा हुआ, अंतिम तिथि बढ़ाई गई, सर्वर को ठीक किया गया। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, जिन्होंने दिन भर इस खबर पर नजर बनाए रही और सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से सर्वर डाउन होने के बाद से ये मामला अभ्यर्थियों को परेशान करने लगा है। राकेश, निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी को झेला है अभ्यर्थियों ने जो जेपीएससी का एग्जाम भरना चाहते थे पहले, तो कैसे जानकारी मिली सर्वर डाउन होने की? देखिए, अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार इसको लेकर फोन आ रहे थे सुबह से ही, और उसके बाद न्यूज 11 ने प्रमुखता से इस खबर को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया। और आपने देखा होगा कि चंद घंटे के बाद ही एक नोटिफिकेशन भी आ गया जेपीएससी की तरफ से कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो परेशानियां आ रही थी छात्रों के समक्ष, खासतौर पर चूंकि आज लास्ट डेट था तो उसको एक्सटेंड करते हुए अभी 21 तारीख को डेट रखा गया है, यानी 21 तारीख तक जो है वो अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक बड़ी राहत की खबर आप छात्रों के लिए कह सकते हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे इस वजह से, क्योंकि 4 से 5 दिनों से लगातार जो सर्वर था वो डाउन था और इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। जो जेपीएससी का जो अपना ऑफिशियली ट्विटर का जो साइट है उस पर भी कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी, लगातार वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ सही नहीं है और टाइम जो है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए क्योंकि वो फॉर्म जो है फुल अप नहीं कर पाए। तो अब आप कह सकते हैं कि राहत की खबर है छात्रों के लिए, और न्यूज 11 को काफी धन्यवाद भी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, टेलीफोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार साधुवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और जिसके बाद तत्काल इस पर एक्शन भी हुआ है। बिल्कुल राकेश, ईमानदारी से हम खबरों को दिखाते तभी तो हमारा भरोसा जो है लगातार बढ़ रहा है। राकेश, क्या सर्वर की स्थिति अभी क्या है, क्या आसानी से फुलफिल किया जा पा रहा है और क्या पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है सर्वर का? देखिए, सर्वर की स्थिति अभी भी कमोवेश वही है जो पहले थी, उस पर कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन चूंकि डेट आगे बढ़ गया है तो छात्रों को थोड़ा रिलैक्स हुआ है और संभवतः उस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे सर्वर को ठीक किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों के बाद उसमें उसको लेकर भी एक राहत की खबर आएगी कि सर्वर जो है जो डाउन चल रहा था, जो सर्वर एक तरीके से काम नहीं कर रहा था, उस पर भी वर्कआउट कर लिया गया है और सर्वर भी सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन अभी फिलहाल वही स्थिति है, लोग लगे हुए हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि किस तरीके से इसको सुचारू रूप से कराया जाए ताकि छात्रों को कोई कठिनाई ना आए। और एक दूसरी जो खबर आई है छात्रों से ही रिलेटेड, जेपीएससी से ही रिलेटेड, जो कट ऑफ डेट को लेकर जो उनकी लड़ाई थी उसमें उनको झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2016 ही कट ऑफ डेट रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा मायूस जरूर। बिल्कुल, एक उम्मीद जगी थी जब हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया था उस वक्त, लेकिन राकेश नहीं, अब निराशा का भाव होगा उन छात्रों में। बिल्कुल, देखिए वो एक लड़ाई लड़ी जा रही थी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, कि कट ऑफ डेट जो वो चाह रहे थे कि 2016 ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने माना है कि नहीं, 2016 ही जो है वही कट ऑफ डेट रहेगा। तो उससे थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी है जो जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे जो अभ्यर्थी है उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी, तो हम तमाम अभ्यर्थियों को हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही निराश होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ डेट चाहे जो रहे, अगर आप उस
कट ऑफ डेट को फुलफिल करते, मैच करते तो अब एग्जाम दे, बेहतर तरीके से एग्जाम दे, सर्वर भी ठीक हो जाएगा और निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार चार एग्जाम एक साथ हो रहे, कंबाइंड हो रहा है ये एग्जाम, तो आप तैयारी में जुटे बजाय इसके कि आप इसके कानूनी पचड़े में पड़े। तो शुभकामनाएं उन अभ्यर्थियों को जो तैयारी इसकी कर रहे हैं जेपीएससी की।